नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। दुकानदार हो जाए होशियार, क्योंकि ग्राहक बनकर कुछ महिलाएं दुकानों पर करती हैं चोरियां, जिसका एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है और जमकर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि मामला झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र सराफा बाजार में शिव बाबा ज्वेलर्स का है, जहां पर एक महिला द्वारा ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक महिला के बैग से सामान चोरी कर लिया गया। जब तक ग्राहक ने वह देखा, तब तक वह महिला सामान लेकर फरार हो चुकी थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही दुकान द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सराफा बाजार में पहले भी ऐसी घटना ज्वेलर्स की दुकानों पर हो चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और चोरी हुए सामान की चपत दुकान को ही झेलनी पड़ जाती है। महिला द्वारा ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद महिला की तलाश की गई, लेकिन ढूंढने में नाकाम रहे, जिसकी शिकायत दुकानदार द्वारा कोतवाली में कर दी गई है। मेरा नाम आलोक वर्मा है, मैं शिव बाबा ज्वेलर्स से, मेरी सराफा बाजार में शॉप है। आपकी शॉप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिला दिखाई दे रही है, क्या है मामला? मामला ये था सर कि कुछ दिन पहले हमारी शॉप पर दो तीन कस्टमर बैठे हुए थे और उनको मैंने कुछ सामान बेचा। उसके सामान बेचने पर एक महिला और आई, वो महिला ने कुछ सामान हमको बेचने के लिए कहा, तो हमने उसको मना कर दिया, तो वो चली गई। उसके बाद वो फिर आ गई कि मुझे कुछ और सामान लेना है, तो मैंने उसको सामान दिखाने लगा, तो इतने में उसने जो मैंने पहले महिला को जो सामान दिया था वो उसने देख लिया, तो उसने वो पर्स में रख कर वो पर्स में से निकाल लिया। वो दूसरी महिला जी, वो बुरखा पहने हुई थी, और ये लोग महिलाएं जो हैं बुरखा पहने हुए होती हैं और दुपट्टा पहने होती हैं, इस तरह की हरकतें करती हैं बाजार में। इससे पहले भी इस तरीके की घटना हुई है क्या? कई घटनाएं हो चुकी हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और बड़ा समस्या का विषय बना हुआ है। क्या लगता है आपको, महिला कौन हो सकती है, कहां से? अब ये तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि उसको गिरफ्तार हो और उसको। कब हुई थी ये घटना? ये 17 तारीख की घटना है। लगभग कितना सामान वो लेके गई होगी? वो लगभग 50,000 रुपये का। उसमें आपने पुलिस की मदद ली? जी, मैंने पुलिस में कंप्लेन की है। क्या लगता है? लगता यही है कि बस जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उचित